सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी ये कैसी रोड है, इसकी दुर्दशा हुई है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे रोड पर ही इतना हो तो कचरा पड़ा हुआ है तो आदर्श गांव कैसे हो गए। यहाँ पे ना तो नाली दिख रही है कहीं पे, ना तो कुछ दिख रहा है, ना तो रोड सही से बनी हुई है। ये कि लेकिन ये आदर्श गांव में भी है, इसकी लिस्ट में नाम है। देखिए सबसे पहले एंट्री में ही आप देख लीजिए कि एक आदर्श गांव है जो कि पहले ही रोड दिख रही है। तो आइए कुछ लोगों से भी पूछते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आदर्श गांव की पहले ही तस्वीर आपको एंट्री में ही मिल जाएगी कि कितना विकास हुआ है यहाँ पे। हाँ यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए आप लोग, आदर्श गांव रामपुर है। हाँ भैया, तो ये आपका गांव आदर्श गांव में आता है। हाँ। आपको तो पता होगा, नहीं पता है? पता नहीं है, ये आदर्श में है। यहाँ पे कोई विकास विकास नहीं हो रहा है? विकास तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कम से कम बहुत काफी करोड़ रुपए आते हैं जो कि विकास के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए एंट्री में ही कैसी रोड बनी, कब की रोड बनी हुई है ये? 10 साल की रोड बनी हुई है, कोई विकास नहीं, जो कि एक सांसद द्वारा भी लिया गया है, मतलब गोद लिया गांव है ना। यहाँ पे लैट्रिन वैट्रिन बनना, लाइटिंग बन रही पर अधूरी सधूरी सब पड़ी। अच्छा, लाइटिंग वाले ईंटे आ लागे। हां का की पैसा सब आप, कोई विकास नहीं, फूट जा रहा, काम नहीं करवा रहे। तो यहाँ मतलब प्रधान के द्वारा होता है कि ये तो सांसद द्वारा होना चाहिए ये काम? नहीं, प्रधान के द्वारा वाला है। अच्छा, लेकिन सब डिसमिस काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सही काम नहीं, मतलब ये अब जो कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही पैसा खर्च किया आदर्श गांव के लिए। आदर्श गांव को मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? कि आदर्श गांव को मतलब होता है कि पड़ोस के गांव के लोग आके देखें उस आदर्श गांव को, उससे अच्छा रहे, उसको मान लो उसका अनुसरण करें लोग। लेकिन यहाँ पे हालत तो बहुत बदतर दिख रही है। अरे सब बिल्कुल कुछ नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे चल के भी, आगे और देखते हैं आगे क्या स्थिति है। चलिए यहाँ दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये भी ये कैसी रोड है, इसकी दुर्दशा हुई है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे रोड पर ही इतना हो तो कचरा पड़ा हुआ है तो आदर्श गांव कैसे हो गए। यहाँ पे ना तो नाली दिख रही है कहीं पे, ना तो कुछ दिख रहा है, ना तो रोड सही से बनी हुई है। ये कि लेकिन ये आदर्श गांव में भी है, इसकी लिस्ट में नाम है। आपका गांव आदर्श गांव में आता है, आपको तो पता होगा ना। आपका नाम क्या है? राम बाबू सर। अच्छा, तो यहाँ पे कोई विकास दिख रहा है? कहाँ विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। लेकिन जो कि एक प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे गोद लिया गया है गांव को। हाँ हाँ, तो वो कभी आई यहाँ पे चक्कर करने? आई है लेकिन यहाँ पर नहीं आई, पूर्व में गोपी निषाद के यहाँ प्रधान के हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ रैयापुर स्कूल में। हाँ, लगा था। हाँ, नहीं हुआ। तो वो गाँव मतलब वो भी आता है इसी के अंदर में? हाँ, ये मौजा है। तो उसका विकास हुआ? वहाँ भी विकास नहीं, कहीं विकास नहीं, ऐसे ही है जैसे यहाँ पे। तो यहाँ लेटरिंग या कोई कॉलोनी मिल रहा है किसी को? कोई भी कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, कोई नहीं मिला, छोड़ो। तो मेन तो पहले यहाँ पे रोड सही होना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं भी आया अंदर से, यहाँ पे घुसते ही यहाँ पे कीचड़ है। इसको एक साल पहले यहाँ स्कूल में मीटिंग थी। हाँ, तो एसडीएम साहब आए थे, आरसीसी बोल गए थे, लेकिन आरसीसी नहीं हो रहा है। लेकिन ये मेन रोड भी है, बता रहे हैं आरसीसी बोल रहे थे, पुल के पास से। यहाँ ये जो खरिंजा से आप उतरे होंगे वहाँ से, पक्की रोड से, तो वहाँ आरसीसी बोले थे, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2019 में पूरा भी होना है, लेकिन अभी कुछ यहाँ भी काम भी नहीं शुरू हुआ, हुआ भी नहीं कुछ, होगा क्या? अच्छा, सब तो अधिकारी बैठे हैं, क्या होगा। चलिए ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद।